सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। अरे भाई, हरियाणा वाला तो राम राम, राजस्थान वाला तो राम राम। क्या क्या हाल आप सबके? मजे आ रखे होंगे? हाँ, गर्मी ऊपर से महंगाई है, मजे आ रखे हैं। ठीक है। तो कई दिन हो गए से आपसे बात किए हुए, लाइव आए हुए। तो अभी मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हुई, पंचिंग बैग सामने है मेरा, और छत पे अपनी ट्रेनिंग होती है, जिम होता है प्रॉपर। और बेनीवाल साहब की राम राम आ गई, मंजीत बेनीवाल हैं। और तो भैया सब कुछ ठीक ठाक होगा, आई होप आप सब के साथ। महंगाई है, आप सब रोज़ डीजल पेट्रोल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। और बस मेरे आने का मतलब यही था कि भैया सवाल पूछिए, सवाल करिए, बहुत ज़रूरी होता है। किसी गाड़ी देना, मैं ये मोदी को 3-4 गाड़ी लिख कर भेज दूँ, क्या फ़र्क पड़ा? नथिंग हैपन, राइट? लेकिन सवाल करते हैं, उस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। सवाल पूछिए, ज़रूरी है। एक आम नागरिक होने के नाते, एक युवा होने के नाते, आपका फ़र्ज़ बनता है कि जो आपके मुल्क में कुछ भी सही गलत हो रहा है तो उसके से पूछिए, क्यों, कब, कैसे, राइट? ये एक छोटी सी बात है, उसका समाधान बताएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गाड़ियां तो आपका काम है, रोज़ देखते रहिए, आपकी रोज़ी रोटी चलती हो भैया। और रही बात अभी टोक्यो ओलंपिक्स की, तो ओलंपिक आ रहे हैं भैया, और हमारे एथलीट हैं, और सबको हमारी बेस्ट विशेज हैं उनके साथ, और अच्छा करें और खूब तरक्की करें, मेडल लेके आए, या दैट्स इट। और अब की बार आई थिंक सबसे ज़्यादा बॉक्सर ने क्वालिफाई किया, जो बहुत बड़ी बात है। और अजय सिंह अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट, और जीवन की रिक्वायरमेंट होती है स्पोर्ट्स पर्सन की, उसको पूरा करते हैं। और किसान अब भी धरने में बैठे हैं, कितने दिन हो गए, 6-7 महीने। और जो कहते हैं भैया मैं तो किसान हूँ नहीं, तो मैं क्यों उसके बारे में बोलूँ? तो किसान तो भैया डायरेक्टली अनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हम उनसे जुड़े हुए हैं, राइट? बिकॉज मैं अभी खेती नहीं करता, लेकिन मेरे माँ बाप थे, मेरे बाप दादा थे, उन्होंने खेती की है, मैंने बचपन में की है। लेकिन अभी कहते हैं कि बॉक्सिंग ने ठीक है अपना नाम पैसा कर दिया, तो अभी खेती बाड़ी कहते कि जाते ज़मीन है, लेकिन खेती बाड़ी कहते हैं कि और कोई करता है। लेकिन उन किसानों को कहते मेरा नमन है, जो इस जंग में तब से लेकर अब तक बैठे हुए हैं, और मैं उनके साथ हमेशा अब भी हूँ, आगे भी रहूँगा, और जल्दी मुलाकात होगी उनसे, उनके पास जाके भी आऊँगा दोबारा से। और चाहे कोई भी सरकार जो किसानों का के साथ बुरा बर्ताव करेगी, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे XYZ है, तो भैया हम उनके साथ इसी शक्ति से कहते हैं कि पेश आएंगे, दैट्स इट। हमारा यही कहना है। आपके कोई भी सवाल जवाब हैं आप पूछ सकते हैं, नहीं तो चड्डीदारी आ जाएंगे थोड़ी देर में, वो कहते कि तो गालियां, तो कहते कि हमारा फ़र्ज है, कहते कि तो बहुत सारी स्टोरी भी आती है, बट मैं सोचता हूँ क्यों अपना कहते वक्त जाया किया, अभी ट्रेनिंग की है, मूड फ्रेश है, आप लोगों से बात हो रही है इतने दिनों बाद, तो मज़ा आता है इस चीज़ से। या ओके, शाहिल ठाकुर, व्हाई डिड यू लेफ्ट अमेच्योर बॉक्सिंग? रीजन आई थिंक देर इज नो रीजन, बिकॉज आई प्लेड ऑलरेडी 3 ओलंपिक्स, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम्स, देर इज नथिंग लेफ्ट। तो देन आई गॉट अपॉर्चुनिटी इन प्रोफेशनल बॉक्सिंग की, UK जो प्रमोटर थे वो आए, मेरे दोस्त नीरव था, उसने कहते कि मेरे को बोला कि लेट्स डू प्रोफेशनल नाउ, बिकॉज जितने भी आप बड़े बड़े नाम जानते हैं, मोहम्मद अली, माइक टायसन, फ्लॉयड, थे सब पहले अमेचर थे, उसके बाद प्रोफेशनल टर्न हुए हैं। तो यही एक मेरा कारण था, दैट्स इट। या और कोई है? सत श्री अकाल संत साहब, ये हमारे पंजाब पुलिस आ गई है। संत साहब ने पूछा नेक्स्ट फाइव का दवा भाई, 8 अगस्त विल प्लान, सितंबर तक चला जाएगा, बिकॉज यार कोरोना ने सबकी बैंड बजा रखी है, स्पेशली बिजनेस की, तो बहुत बुरा हाल है यार। या तो माय किड्स आर हियर नाउ, माय मॉम इज हियर, माय वाइफ इज हियर,
जगबीर घणगस, ये हमारे भिवानी वाले आ लिए भाई। भिवानी कब आ रहे हो MBBS? भिवानी भाई कदम यार, बुला दो यार बहनी, कई दिन हो गए तो आया, तो पीछे ही तो एक हफ्ता हो गया, और फिर आऊँगा। घणगस साहब हमारे रिपोर्टर हैं और अच्छे पत्रकार हैं और निष्पक्ष हैं। ये आदित्य सिंह हमारे मथुरा से हैं, अच्छे दोस्त हमारे यहाँ, और यहाँ आदित्य सिंह जी कुछ बॉक्सर ऑफिसर या अभिषेक राजपूत मिन्हा सैनी प्लान फॉर फ्यूचर बॉक्सिंग ओलंपिक्स नाउ नाउ आई एम हैप्पी विद द प्रोफेशनल, ठीक है चली जाए तो ये ठीक है, यही बहुत है राइट या विजय पाल बेनीवाल, ये हमारे MLA साहब राजस्थान से, बहुत होनहार नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं जी हाँ। अमित सरकार बेनीवाल ने कहा भाभी राम राम भाई, राम राम दे दिए बेनीवाल ने तो या क्या बात है। पूनिया साहब ने कहा कि भैया कार्ड लेकर यहाँ पहुँचो, वेरी नाइस। कमला राव ने कहा कि बच्चों के लिए एकेडमी खोलो, खोलूँगा ये अभी नहीं, थोड़ा टाइम के बाद खोलूँगा, बिकॉज अभी मैं खुद बॉक्सिंग बिजी हूँ, मेरी फैमिली में थोड़े से बच्चे बड़े हो जाएं, उसके बाद 100% आई विल ओपन बॉक्सिंग एकेडमी स्पेशली फॉर किड्स, और जो मैंने सीखा तो ऑफ कोर्स मैं जो नेक्स्ट जनरेशन उसको सिखाऊँ, बताऊँ कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग राइट। या हाँ भाई प्रवीण सिंह ने अब बैठ लिया, बहन वाला साहब विजय पाल हैं हमारे, तो जिम है हमारा छोटा सा, दिखाऊँ तो नहीं अभी, थोड़ा सा काम है बाकी, आई आल सी यू लेटर, मैं बाद में दिखाऊंगा भाई। एक बार मारबल का खेला, फुटबॉल खेलो भाई पक्का, फुटबॉल छोटे जिम खेला करते भाई, फिर उसके बाद बॉक्सिंग में आ गए तो कड़त है फुटबॉल होती भाई। दीपक अग्रोही राम राम भाई ने हाथ जोड़कर राम राम भाई, या हाउ आर यू मोटिवेटिंग योर सेल्फ इन द पैंडमिक सिचुएशन अभिजीत चटर्जी, बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग आई थिंक, बिकॉज ट्रेनिंग एंड द स्पोर्ट्स पर्सन रियली दे आर स्पेशली मेंटली प्रिपेयर्ड की लाइक यू नो दीज आर काइंड ऑफ टफ टाइम इट विल कम एंड यू हैव टू गो थ्रू ब्रो, जस्ट स्टे पॉजिटिव, डू ट्रेनिंग, जस्ट बिजी विद योर किड्स विद योर फैमिली, सो दैट्स कीप मी मोटिवेटिंग एंड कीप मी बिजी। सो आई थिंक आप जितना बिजी रहेंगे आपके लिए उतना अच्छा है। जी ओके, जसप्रीत जसल वीर जी की हाल ने भाई जी, मैं ठीक हाँ, तो सुनाओ जसल साहब किदा ठीक हो? या मैं ठीक हाँ भी, मैं इतने ही हाँ अपना घर दिल्ली, अपना काम करी जाने भी, और की है। अंकित जांगड़ा ये भाई हमारे दोस्त हैं, जांगड़ा साहब भिवानी के हैं, और कह रहे हैं कि भैया गुड़गांव का अभी गुड़गांव छोड़ दिया, दिल्ली आ गए तो मैं गुड़गांव फिर कदे आऊँगा राइट। या विजय चौधरी भाई राम राम, यूके वाले भाई आन कौन दे वीजा, तो हमारे दूर पर वैक्सीन ना लगवाई हमने भी एक भी, तो जब बाहर ले आ जाएगी जब लगवाएंगे तो होपफुली दे विल यू नो ग्रांट मी परमिशन कि आ जाओ भैया अंदर, तो मैं भी यार ट्रेनिंग कहाँ हो रही है, यहाँ पे जब बाहर ही होती थी हमारी ट्रेनिंग। या ओके राम राम, आ गए भाई सारे भाई। ओके साहिल ठाकुर, हैव यू एवर फेस्ड पॉलिटिक्स ड्यूरिंग एनी मैचेस? अभी मेरे को याद नहीं यार, और हार जीत तो एक सिक्के दो पहलू होते हैं यार, बट जस्ट ट्राई हार्ड, दैट्स इट, ये चलती रहती है, बट इन चीज़ों से ये एक अपने आप को एक कहते कि वो दिलासा देने की बात है कि भैया मेरे साथ पॉलिटिक्स हो गया समथिंग लाइक दैट, इट्स ऑल राइट, कोई ना नेक्स्ट टाइम ट्राई कर, उसके बाद नहीं उसके बाद नेक्स्ट टाइम ट्राई कर, तो इट्स ऑल राइट ब्रो, ये चलता रहता है। गालव ब्रिज ये हमारे सिंगर साहब हैं पंजाब के, और किसानों को बहुत सपोर्ट किया, बड़े अच्छे सॉन्ग इनके हैं, ब्रिज साहब के हमारे NIS पटियाला में हमारे साथ होते थे। या बादरा राजस्थान
बात रहा भाई अभिनी वीरेंद्र बेनीवाल ना भाई अभिनी अभिनी राजस्थान का भी कोई प्रोग्राम नहीं है, कभी आएंगे तनवान के साथ आएंगे। बाहर की वैक्सीन क्यों भाई, वहाँ भाई परमिशन उन्होंने वहीं की वहीं देते हैं, जैसे यूके में जाओ तो फाइजर की है, यूके में जाओ तो हाँ दूसरी की है, तो अपने वाली तो वैध नहीं है यहाँ पे। अगर मिलती है तो भाई 3 महीने का लंबा गैप, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। या भाई जी इंडिया में क्या बॉक्सिंग को भी क्रिकेट की तरह सपोर्ट मिलती है गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से कुछ नहीं लेते क्रिकेटर, वो गवर्नमेंट के देते हैं। तो और रही बात अगर आप नंबर वन है चैंपियन है तो एवरीबडी लव यू यार, हमें देख लो गांव से यहां तक पहुंच गए, तो स्पेशली आप लोगों के प्यार से आप लोगों के आशीर्वाद से। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि एक स्पोर्ट्स को ही सब कुछ मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। या रजत ये मेरे बुआ लड़का भाई रजत सिंह, या भाई ये कांग्रेस छोड़ दो जोधपुर वाले कहे हैं भाई तो अपनी अलग पार्टी बना लो। मैं सोचू यार अपनी अलग पार्टी होनी चाहिए राइट, एक बड़ी पार्टी जिसमें कहते सारे यंग यूथ लीडर और जिसके अंदर कहते भावी कहते कि हुनर हो, एक एक तवज्जो हो कुछ करने की अपने मुल्क के लिए अपने लोगों के लिए। समटाइम आई थिंक बट लेट्स सी टाइम विल डिसाइड राइट। अंडल मन्ना मन्ना है भाई साडा पटियाले तो, पंजाब पुलिस जिंदाबाद है या ये तो मुंडा होया है मन्ने दे। अभी भाई जी उत्तराखंड आओ तो कभी भोले बाबा दर्शन में, उत्तराखंड भाई आए थे हम और या आई वेलकम दिव्या, ये दिव्या आदित्य सिंह हमारी ग्वालियर से, या वेलकम या ठीक है भैया ध्यान रखो यार, मैं कूल डाउन कर लो भी बहुत देर होगी और बच्चे हमारे नीचे खेल रहे हैं भी और हम ऊपर घूम रहे हैं, दैट्स इट। तो भैया ट्रेनिंग होगी हमारी और आप सब खुश रहें आबाद रहें, अपनी फैमिली को ठीक रखें ध्यान रखें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, बिकॉज जो टाइम है मुड़ के दोबारा नहीं आता भैया, मेमरीज तभी बनती हैं। और सवाल ज़रूर पूछिए जो भी सही गलत हो रहा है आपके साथ आपकी फैमिली के साथ आपके मुल्क के साथ, तो भाई ज़रूर सवाल पूछिए, आपका हक है और डेमोक्रेसी का एक फ़ायदा होता है कि आप खुल के किसी से भी सवाल पूछ सकते हैं। दैट्स इट, आप सबसे बस यही कहना चाहूँगा, बस खुश रहें दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, और पॉजिटिव बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव कहते हैं अपने आप को पॉजिटिव रखना, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट राइट। या गंगानगर वाले भी आ गए भाई, ठीक है भैया, ओके गाइस थैंक यू, ध्यान रखो बाय बाय बाय।